बिहार में पंचायत की सरकार बनाने को लेकर के चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि स्टेट लेवल पे दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है। फिलहाल हम है बक्सर जिला में और बक्सर जिला का पहला चरण का चुनाव है और पहला चरण में राजपुर का जो क्षेत्र है, राजपुर के एरिया में मौजूद है। राजपुर में चूंकि पहले चरण में ही राजपुर का चुनाव होना है और चुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं ये बूथ है और यहाँ के जो हालात देखे जा रहे हैं वो ये है कि पुरुषों के कंपेरिजन में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जितिया पर्व है जिसमें महिलाएँ जो होती है 36 घंटा निर्जला व्रत करती है, बिना अन्न जल की रहती है। और इस हालात में महिलाओं की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग अगर पुरुषों की संख्या 10% है तो इनकी 90% सहभागिता है। आप देख सकते हैं लंबी लाइन है, लंबी कतार लगी हुई है और महिलाएं जो यहाँ पे खड़ी हैं। कई महिलाओं का ये कहना है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको बैठने का कोई इंतजामात नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बैठ करके जो है इस हालात में लोग जो है वोट देने के लिए आए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है लोकतंत्र में कि महिला जो है घर से निकल करके वोटिंग कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार में ये ज़रूर हुआ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार ये दावे करते रहते हैं कि महिलाओं को लेकर के लगातार सरकार काम करती रहती है और कई ऐसी योजनाएँ हैं जो महिलाओं को लेकर के कन्यादान राशि, फिर उसके बाद जो है साइकिल वितरण, कई चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अवेयर किया है, जिसका जीता जागता देखा जा सकता है। शराबबंदी को लेकर के महिलाओं ने जवाब उठाया था, नीतीश कुमार सरकार उस बात को मानी और उसका कहीं कहीं असर है कि महिलाओं में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है और महिलाएं जागरूक होकर के घरों से निकल रही है, वोटिंग कर रही है। यही वजह है कि लंबी कतारें लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जो सीनियर सिटीजन है वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए इंतजाम होने चाहिए। उस महापर्व में अपने पंचायत के एक भावी और अपने 5 साल के पंचायत को भविष्य को देखते हुए अपना बहुमूल्य समय जो दे रही हैं वहाँ इस चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ इस पहले उनका मतदान कराया जाए जो सीनियर सिटीजन, सब जगह समुचित व्यवस्था की है लेकिन सीनियर सिटीजन के साथ दिक्कत हो रही है। उनको ख्याल तो जरा रखा जाए। दूसरी ओर आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा की बंदोबस्त की गई है। पुरुष जो है वो और महिलाएं जो है दोनों का अलग अलग सेपरेट लाइन लगाया गया है और लोग ये वोटिंग कर रहे हैं। राजपुर का जो एरिया है इसको सेंसिटिव एरिया माना जाता है क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि राजपुर में जो पहले जो है कई तरह से हिंसा होते रहे हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में दो प्रत्याशियों के बीच में भी मारपीट का मामला जो है ब्लॉक लेवल पे हो गया था तो प्रशासन ने क्या किया कि दोनों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया और उसका असर यही दिख रहा है कि शांति से चुनाव हो रहा है। राजपुर में 19 पंचायत को लेकर के चुनाव हो रहे हैं और इस 19 पंचायत को चुनाव कराने के लिए 267 बूथ बनाए गए हैं जहां पे वोटिंग हो रहे हैं और अभी तक सूचना के आधार पर लगभग दोपहर हो रहे हैं। दोपहर तक कहीं कोई हिंसा की बात नहीं है, कोई छोटी या बड़ी कोई घटना की बात नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य यह और लक्ष्य यह था कि शांतिपूर्वक निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराना। अभी तक हम लोग सफल हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर टर्नआउट जो है कि काफ़ी बेहतर हुआ है। जो भी वोटर हैं एकदम से आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, खास करके महिला वोटर की उपस्थिति जो है कि उत्साहवर्धक है हम लोगों के लिए और आगे भी इसी तरह की हम लोग की व्यवस्था रहेगी। सर, पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि पैसा और शराब बढ़ गई थी, क्या है मामला, ये सब कुछ दिख रहा है? अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया है, आपके संज्ञान में है तो बताया, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वीडियो सर रिलीज हुए हैं जिसमें सब पैसे बैठने की बात आ रही है? वीडियो रिलीज हम लोग के पास नहीं, आपके पास हम लोग का है तो शेयर करें, उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। कमोश बेस यही हालात सारे बूथों पर हैं, लोग वोटिंग कर रहे हैं और सरकार को अपने पंचायत सरकार की चुनने की कवायद में लगे हुए हैं। और अगर हम लोग देखें जहाँ पे चुनाव हो चुका है, पहला चरण का जहाँ चुनाव हुआ है, जो परिणाम आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि लगभग 80% जो है पुराने प्रत्याशियों को रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी 80% नए प्रत्याशी चुने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो पहले के प्रत्याशी रहे हैं उनसे जनता नाखुश है और यही वजह है कि 80% लगभग नए चेहरे आ रहे हैं। तो शायद इसी तरह का संकेत कुछ राजपुर में दोहराया जा सकता है या कुछ अलग आंकड़े भी हो सकते हैं, इसका कोई जनमित दावा नहीं करता है, लेकिन आंकड़े के आधार पर ऐसा लग रहा है कि फेरबदल होने की ज़्यादा संभावना है। हमने कई लोगों से बातचीत करी, इनका कहना है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जिन योजनाओं को लेकर सरकार दावे करती थी पंचायत में जहाँ जहाँ नहीं उतारा गया है वहाँ बदलने की कवायद होगी, जहाँ जहाँ अच्छा काम हुआ वहाँ पर उन्हीं प्रत्याशियों पर फिर से विश्वास जताया जाएगा। अभी हम लोग 11 बजे का हम लोग रिपोर्ट लेंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो आदर्श मतदान केंद्र पे हैं कुल जो है वो 640 जो है एक बूथ पे था और लगभग 250 के राउंड एक पे हो चुका है। दूसरे बूथ पे हम लोग का 485 था, वहाँ पे 198 हो गया है, लगभग हम लोग वही 35-40% के अभी तक रेंज में यहाँ पे हैं। ओवरऑल जो हम लोगों का होगा वो 11 बजे का रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग आप लोगों को बता देंगे। कोविड को लेकर क्या एहतियात है? कोविड को लेकर हम लोगों ने जो डायरेक्शन सभी को दिया था कि मास्क पहन के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसी को लेके आप जो है देखे होंगे कि आज जो है जितिया का पर्व है और हम लोग जो है गंगा स्नान पे उस पर भी हम लोग प्रतिबंध किए हैं और बहुत सारे लोग जो अभी भी जा रहे थे उन लोगों को भी हम लोग जो है वो समझा बुझा कर उनको वापस किया जा रहा है।
कई सेंटरों पर कोविड वैक्सीनेशन का इंप्रूव। हाँ, कोई कई सेंटरों पर हम लोगों ने इसमें प्रयास हम लोगों का था कि चूँकि लोग जो हैं, जैसे राजपुर की बात करें, कुल मतदाता जो है लगभग 1.5 लाख के अराउंड हो जाते हैं, और उसमें से जो है अगर हम हर एक केंद्र पर अगर कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो कोविड परसेंटेज है वो बढ़ेगा। इस फेज़ में हम लोग जो है वो एक ट्रायल के रूप में आए हैं, अगला फेज से हम लोग जो है पूर्ण रूप से तैयारी होकर हम लोग पूरा करेंगे, ताकि वहाँ पे एक कम से कम पोस्टर रहे, बैनर रहे, लोग अवगत रहें कि मतदान के साथ जो है वैक्सीनेशन भी वो करा सकते हैं।